गलती शूटिंग के दौरान उनका देहांत हो गया तो मुझे इस चीज की खबर मिली और उनका हमेशा से बस एक ही यही था कि वो कभी मुंबई नहीं आ पाई कि मुझे एक बार ना तू अमिताभ बच्चन से मिलाना। सर जब ये हुआ तो मुझे इस बात का बहुत गिल्ट हुआ कि मैं कभी उनको आपसे मिला नहीं पाया जी। तो ये सर मैंने किसी तरह मुझे उनके लिए कुछ करना था स्पेशल। उसी दिन रात को मैं आपके संपर्क में आया और मैंने आपको बताया ऐसा और मैंने कहा कि अगर अमित जी अगर आप कुछ एक छोटा सा वीडियो अगर उनके लिए बना के भेज दें और मैं वो वीडियो सिर्फ आपके और उनके बीच में रहेगा, कोई नहीं देखेगा उसको और मैं उनकी तस्वीर के सामने बस ये वीडियो चला दूंगा, आप जो भी बोलना चाहें, बिकॉज वो बस आपसे मिलना चाहती थी एक बार। जी, जी, जी। सर आपने तुरंत वो वीडियो बना के भेजा था वहां पर। सर कमाल की बात यह है कि वो वीडियो मैंने चलाया उनके सामने सर और फॉर सम रीजन उसके बाद वो पेन ड्राइव से वीडियो खुद ब खुद गायब हो गया सर। वो वीडियो किसी ने नहीं देखा आज तक। रियली? वो वीडियो कहाँ है सर किसी को पता ही नहीं है। आई थिंक इट वॉज मेंट टू बी बिटवीन यू एंड हर बट सर थैंक यू सो मच आपने जो किया मतलब उसके लिए।